सिंगरौली में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा कांग्रेस राज में गड्ढे थे, भाजपा राज में सड़कें हैं। पटेल ने कहा भाजपा के राज में किसान प्रसन्न है। सिंगरौली में फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मंत्री राम खेलावन पटेल चितरंगनी पहुंचे। उन्होंने अपनी सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश के किसान प्रसन्न हैं। कांग्रेस की सरकार में जहां 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाती थी, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 40 लाख हेक्टेयर की भूमि पर किसान सिंचाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रीवा में सिंगरौली की सड़कें दयनीय स्थिति में है। इसका जिम्मेदार ठेकेदार है जो अपने कार्य को पेटी कॉन्ट्रेक्टर को देकर पल्ला झाड़ लेता है। यद्यपि मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख सड़कों का निर्माण किया गया है तो अपने आप में कीर्तिमान है। जहां कांग्रेस के जमाने में पहले गड्ढे हुआ करते थे, वहां भी पक्की सड़कें बनाने का कार्य भाजपा की सरकार द्वारा किया गया है। भले अभी पहले कह चुके हैं कांग्रेस के जमाने में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 40 लाख हेक्टेयर में हो रही है और 2023-24 तक जाके 70 से 75 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है। किसानों को RBC एक्ट में परिवर्तन करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तमाम उनको लाभ देने का काम किया है। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि रीवा से सिंगरौली रोड अभी नहीं बन पाई, उसमें कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का दोष नहीं है। ठेकेदार ठेका लेते हैं, फिर पेटी कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे को देता, फिर वो तीसरे को दे देता है, इस कारण रोडें नहीं बन पाई। नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जमाने में रोड गड्ढे में बदल गई थी। आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके मध्य प्रदेश रोड के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।